हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 1200 शो, 1200 शो ऑन नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। दिस इज एक्सक्लूसिव बिकॉज 1200 एपिसोड पहले जब मैंने राज की बात की शुरुआत की थी, तब इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये जर्नी इतनी लंबी जाएगी। कोविड के दौरान इस शो की शुरुआत हुई और देखते ही देखते कोविड भी चला गया, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, हम वापस अपनी ज़िंदगी की राह पर आ गए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोविड ने हमें सिखाई है। उम्मीद है जिस तरह से राज की बात इस शो के माध्यम से कई सारे लोगों को ये याद दिलाता रहता है कि कोविड ने हमें क्या सिखाया है, आप भी इसे याद करते होंगे। आपने राज की बात के शो को, उनके एपिसोड्स को लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में नागपुर एक ग्लोबल मैप पे आ चुका है व्हेन यू टॉक अबाउट फेसबुक, बिकॉज दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस किस्म के शो करता हूँ, और उस चीज़ के लिए जो अप्रिसिएशन मिलता है वो मन से, दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज 1200 शो है और मैं हमेशा से ऐसी कल्पना करता था कि जब मैं ये शो करूं, 1200 शो करूं, तो मैं एक ऐसे मेरे गेस्ट हूं जिनकी खुद की जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हो और कहीं ना कहीं वो युवाओं को प्रेरित करें। ना ही सिर्फ प्रेरित करें लेकिन एक राह दिखाएं, जिससे ना ही सिर्फ युवा प्रेरित हों और एक राह मिले उनको, लेकिन जीवन के कुछ ऐसे मूल्य मोल होते हैं जो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज के जो मेरे मेहमान हैं, ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर, ही इज़ अ सन, ही इज़ अ ब्रदर, ही इज़ समबडी हु इन्फ्लुएंसेस, इंस्पायर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस। प्लीज़ वेलकम DCP Zone 5 श्रवण दत्त S सर। सर नमस्कार। थैंक यू राज, आपने मुझे बुलाया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशंस आपको 1200 एपिसोड करने की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप आप ऐसे शो कंटिन्यू करते रहें और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाते रहें। सर, सबसे पहले अगर हम श्रवण सर की जो लाइफ है उसके बारे अगर हम जाने, सर हाउ हैज बीन द जर्नी सिंस बिगनिंग? जर्नी बहुत लंबी है। पुलिस डिपार्टमेंट में करियर छोटा रहा है, बट अगर शुरुआत करें तो शुरुआत होती है वारंगल डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम का आंध्र प्रदेश और इस टाइम का तेलंगाना। वहाँ पे वारंगल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जी वारंगल में परकाल करके एक गांव है, मंडल तालुका प्लेस। वहाँ पे मेरा अपब्रिंगिंग हुआ, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई। 10th के बाद वहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 11th और 12th, और फिर इंजीनियरिंग के लिए मैं हैदराबाद गया। जी 2007 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। जी आफ्टर दैट मैं लगभग 6 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करता था। जी आई वर्क विद कॉग्निशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, हम्म, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आई वर्क देयर फॉर 4 ईयर्स इन हम्म, इंडिया। 4 साल मैं हैदराबाद में था उनके साथ। जी उसके बाद में मुझे H1B वीज़ा मिला, अपॉर्चुनिटी मिली अब्रॉड जाने की, एंड आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। हम्म, वहाँ पे आई वर्क इन कैलिफोर्निया फॉर अराउंड 1.5 2 ईयर्स, एंड देन आई रिजाइंड, आई केम बैक, आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, 2015 एग्ज़ाम और 2016 रिजल्ट में मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया, एंड हम्म, आई एम एन IPS ऑफिसर ऑफ 2016 बैच। दैट्स इट। सर ये जो पूरी की पूरी जर्नी है जिसके अंदर में सर, जहाँ एक बचपना जो है वो एक छोटे से गांव में जाता है, जहाँ पर कुछ हजार, हाउ मेनी पीपल यूज टू लिव इन दैट विलेज सर? अराउंड अंडर 1 लाख। अंडर 1 लाख, बट अ वेरी स्मॉल नंबर। और उसके बाद फिर आप अपने करियर में एक ऐसी जगह भी जाते हैं जो अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड है, एक ऐसा एक ऐसा सिक्के का वो पहलू जो जिसके ऊपर में लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि जीवन ऐसा भी होना चाहिए, एक सपना होता है, कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, अ लॉट ऑफ पीपल लिव दैट। आप अमेरिका गए, से वापस क्यों आ गए? एक्चुअली प्लान्ड तरीका था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू द सिविल सर्विसेज, बचपन से ही था कि सिविल सर्विसेज की सेवा एग्जाम देना है और सर्विस में आना है। तो उस दौरान परिवार के कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, जी तो उस हिसाब से
आई स्टार्टेड वर्किंग इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन. तो पहले कुछ दिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की एंड फिर उसी दौरान यूएस जाने का मौका मिला जी. तो मैं चाहता था कि वहाँ का एक्सपोजर मुझे मिले, वहाँ का अनुभव मुझे मिले जी. तो उस हिसाब से मैं गया था. बट देन मेरा तय था कि मुझे वापस आना है और सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है. तो आई स्टेड देयर वहाँ पे 1.5 साल 2 साल के आसपास में रहा जी. और फिर मैंने प्लान तरीके से मैं वापस आया और प्रिपरेशन चालू की. सिविल सर्विसेज को लेकर सर बहुत सारे युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, स्पेशली उनके जो लोअर मिडिल क्लास या उससे कम लाइन के घरों से आते हैं. सर एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए किन चीज़ों की आप में होनी चाहिए, वो गुणवत्ता आप में होनी चाहिए? देखिए एक क्वालिटी करके तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हैं और हमसे पहले भी बहुत सारे सीनियर्स ने अलग अलग बैकग्राउंड से, किसी का वेल ऑफ बैकग्राउंड था, किसी का बहुत ही पुअर बैकग्राउंड था, कोई बहुत ही पिछड़े गांव से आए थे जी. तो ऐसे लोगों की स्टोरी सुन के ही हम भी इंस्पायर होते थे कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते जी. बट इन शॉर्ट अगर बताना चाहूँ तो किसी को भी अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो आज की डेट में और ज़्यादा मौके और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेट का ज़माना है जी. बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं और डेटा हैज़ बिकम वेरी इट कम्स एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट जी. तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मेहनत ज़रूरी है. ऐसा कोई भी ऐसे कोई भी ऑफिसर नहीं रहेंगे जो ये डिनाई करेंगे कि बिना मेहनत के मुमकिन है जी. परसिवरेंस टफ एग्ज़ाम है, कभी कभी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता जी. तो वापस उठ के फिर से मेहनत करने की जो डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस होती है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं. सिंसियरली अगर करें तो मैंने अपने दोस्तों को देखा है जिन्होंने एक अटेम्प्ट में सर्विस क्रैक किया है और फिर कुछ लोगों को 2 साल लगे 3 साल लगे उनको भी देखा है, इवेंचुअली उन्होंने निकाला है उन्होंने निकाला है जी. ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके पीछे पड़ जाएं और मेहनत करें और फोकस्ड मेहनत करें तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. और कोई भी इनहिबिशन नहीं हो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, मराठी बैकग्राउंड से हैं या तेलुगु बैकग्राउंड से हैं. लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और टॉप रैंक्स उन्होंने क्रैक किए हैं जी. जबकि उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब इनिशियल हिकअप्स थे. तो वो मिथ नहीं रहा कि ओनली इंग्लिश या अर्बन बैकग्राउंड के और वेल ऑफ बैकग्राउंड के लोग ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. आज की डेट में सबके लिए मुमकिन है और जिनको भी इंटरेस्ट है, रुचि है, इच्छा है, उनको कोशिश करनी चाहिए. सर इंटरेस्ट, रुचि और इच्छा, ये तीनों शब्द को आपने बड़ा स्ट्रेस किया, इसीलिए इसी के आधार पर आपसे एक पर्सनल सवाल करना है. सर लोग वो अमेरिकन ड्रीम के लिए, मैं वापस आ रहा हूँ, आप कैलिफोर्निया में थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी वहाँ पर, आपने सिविल सर्विसेज चुना, सर क्या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड यू ऑलवेज न्यू दैट आई विल गेट इनटू अ प्रोफेशन विच विल बी अ ट्रांसफरेबल जॉब? यू वर एट बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अब नागपुर, फिर कुछ समय के बाद फिर से ट्रांसफर. सर ट्रांसफर्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं, सर क्या उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर तैयार थे? आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कभी इस बारे में नहीं सोचा था, इतना लंबा कभी नहीं सोचा था कि सर्विस में जाके क्या क्या होगा, पे पैकेज कितना होगा, सर्विस की कंडीशंस कितनी हार्श रहेंगी या नहीं रहेंगी. तो प्राइमरी गोल तो यही रहता है कि सर्विस में आए जी. और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि यहाँ पर गिव बैक टू सोसाइटी. और मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे मदर फादर की जो भी टीचिंग्स रही हैं जी, दे हैव बीन दे वर वेरी क्लियर एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको कि मनी वाज नेवर अ मोटिवेशन. और उनकी टीचिंग्स और उनकी वैल्यूज उन्होंने मतलब इस डिसीजन को बहुत आसान कर दिया था.
कि आई नीड नॉट स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई कैन कम बैक एंड स्टार्ट गवर्नमेंट जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब. सो कभी इतना लंबा नहीं सोचा था कि लेकिन अब जब देखते हैं तब कैसा लगता है. नहीं, इट इज अ पर्सनल डिसीजन और उस डिसीजन को स्टैंड बैक है. डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को बैक करना है और उस डिसीजन के हिसाब से रहना है. एंड इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग जॉब. अल्टीमेटली आप बहुत लोगों को सर्विस दे पाते हो. यू कैन गिव बैक टू सोसाइटी इन मेनी वेज. उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं और जिनको भी ये लगता है कि दे वॉन्ट टू गिव बैक टू सोसाइटी, दे वॉन्ट टू सर्व एंड दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ the nation building, right sir, they should get into the service if they are really interested. Sir, recently Nagpur Police Commissionate got the best unit award of the state, and honorable police commissioner of Nagpur Shri Amitesh Kumar sir gave credits to his team. He mentioned that, you know, the older team which he had played a very important role. So you are basically, you know, you have to take the legacy of the old, you know, the senior policemen who were here and now been transferred into, you know, several other, you know, other places. So what kind of pressure a policeman has when there is a legacy which has been already created? Pressure to nahi kahunga. I'd consider it as inspiration and teachings. Obviously, our seniors, our predecessors, they have worked well here, and that is the result why ye unit ko award mila. And those are very big, large shoes to fill. We will try hard to not to disappoint and continue the same work, if not improve, and we'll definitely try to improve. Sir, Zone 5 is one of those areas of Nagpur where people have a lot of eye on it, and a lot of people from different backgrounds of the society live there. Sir, how do you see Zone 5 when you've been given the charge? How do you see it? Honestly, it's been only a very short period of time, so I haven't been able to get the entire hold over the entire jurisdiction and its demography. बट अगर थोड़ा सा ओवरव्यू इफ वी कैन टेक देन देर आर लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेरियस इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वेरियस एजुकेशन बैकग्राउंड्स यू हैव वेरी एजुकेटेड एंड वेल ऑफ कम्युनिटी एंड एरियाज एंड देन यू हैव पुअरली एजुकेटेड एंड पुअरली डेवलप्ड एरियाज. सो वहाँ का जो सर्कमस्टांसेस और वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो उस हिसाब से अनफॉर्चुनेटली दे आर गेटिंग एक्सपोज टू सर्टेन बैड थिंग्स एट अ वेरी अर्ली एज. ट्रू. वी विल ट्राई टू वर्क फ्रॉम आर एंड एज पार्ट ऑफ द पुलिस एफर्ट टू एंश्योर दैट दे आर दे मेंड देयर वेज एंड देन दे आर गिवन इनफ अवेयरनेस एज वेल एज दे आर एजुकेटेड कि उस तरीके के गलत रास्ते ना अपनाएं. बाकी whoever tries to violate the law then the police has to enforce the law and there is no going back about it. Sir, I have a quick rapid fire with you and I look forward that you give me answers and then you know we'll end this thing. So human policing. जी. So your view over it. Human policing is the need of the hour, and community policing along with human policing would definitely go a long way. People have to come, people have to question the police department in case if there are any lacunae. Along with that, the support of the community is very much important. Sometimes we see issues where things are not reported even if people are aware of it. So wo na ho. एंड पुलिस की तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहे, हमारी ट्रेनिंग्स इम्प्रूव हो रही हैं ताकि हमारे स्टाफ हमारे ऑफिसर्स सिटीजनरी के साथ बहुत ही सेंसिटिवली उनके साथ व्यवहार करें और हमारे स्टाफ और ऑफिसर्स कर भी रहे हैं. देर कैन बी एबरेशंस एट टाइम्स बट देन दैट इज नॉट दैट कैन नॉट बी जनरलाइज. सो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट कि सिटीजन्स की ओर से भी वो अप्रोच होनी चाहिए एंड यू शुड अंडरस्टैंड द पुलिस वर्क्स विद इन अ लीगल फ्रेम
and at times the expectations of the people they वो थोड़ा सा वहाँ पे उनको समझाने में इशू आता है कि there are certain limitations where police can work and police cannot work but otherwise my only suggestion would be मेरा आवाहन रहेगा जनता से कि पुलिस को जनता को पुलिस से जुड़ना चाहिए उसके साथ साथ जनता को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से निभानी चाहिए जहाँ पे लगे कि पुलिस गलत है डेफिनेटली हमको रिपोर्ट करे जहाँ पे लगे कि इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो गए हैं या कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए या पुलिस का इंटरवेंशन कम लग रहा है तो डेफिनेटली रिपोर्ट करें सर मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया misuse of social media yes it is again one of the biggest challenges that we are facing today especially in terms of crime as well as law and order there are times where forwards which do not have factual content are spread at a great speed leading to hatred in the society and leading to tensions within communities so I would only request सारे समाज सारी जनता से कि बहुत ही responsibly use करें और साथ साथ अपने सारे parents को मेरी request रहेगी अपने बच्चे किस तरीके की social media पे active हैं उस पर ध्यान रखें उनका mobile phone usage उनका internet usage किस तरीके से उनकी psychology उनके growth पे उनके progress पे impact कर रहा है उस पर नज़र रखें बच्चों को फ़ोन दिला दिया लेकिन फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनका फ्यूचर दे कैन हैम्पर देयर फ्यूचर वो अपने फ्यूचर का नुकसान कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए प्लीज़ सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों पे उस मामले में ध्यान दें और इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली टाइम से काउंसल हों सर राज की बात राज की बात सर कुछ सर अच्छी बात सर नहीं राज की मतलब व्हाट्स योर व्यू ऑन द शो सर राज की बात दिस कंप्लीट इट्स अ वेरी गुड शो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कम बैक वंस अगेन आफ्टर दिस एट अ लेटर डेट आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू लाइक कीप स्प्रेडिंग द मैसेजेस फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द पब्लिक लाइफ एज वेल एज द कम्युनिटी जो भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं उनका पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है जैसे अगर आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से आज बात करेंगे जी. तो दे विल गिव अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे गो थ्रू इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाउ मच लोड दे गेट इनटू हाउ मच प्रेशर दे गेट इनटू तो वो सारी चीज़ें वो समझाएंगे तो सिमिलरली द काइंड ऑफ प्रेशर दैट द पुलिस हैज़ टू हैंडल ऑन अ डे टू डे बेसिस वो एक पुलिस ऑफिसर अपने पर्सपेक्टिव से समझा पाएगा तो मेरी आपसे तो रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ही वेरियस क्वार्टर्स के जो भी लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहें और अवेयरनेस में एक अच्छी भूमिका निभाते रहें सर मैं ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे बहुत इनिशियल ईयर्स ऑफ योर करियर आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस आंसर ऑलवेज सर बिकॉज दिस विल कम फ्रॉम योर हार्ट सर अगर पुलिस की या फोर्स की एक सुनहरी किताब बनी सर और उसके एक सुनहरे पन्ने पर आपका नाम लिखा गया श्रवण दत्त एस ये नाम लिखा गया सो उसके नीचे क्या लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें कि आप इस किस्म के ऑफिसर थे हाउ डू यू वांट योर जूनियर्स टू रिमेंबर यू एस बहुत ही मतलब it's a long journey ahead but if I have to declare now itself my parents taught me something and that is the reason why I am into this service and I hope I can keep up the teachings that they have offered me and I can continue to perform as a I would want to be remembered definitely as a good officer as an officer who upheld law as well as justice the kind of experiences that I have from the childhood or from the private sector
after leaving that, the only reason why I'm here is to serve the people. So I would want the people, definitely, to remember me as somebody who has served and did his 100%. So he was good, he served and he conquered. Is that one line I think which sums up a lot of... Conquered to nahi bolunga main, but then yes, service wise, there's no taking back. I would want to be remembered for all the service, or I would want to do such service where people do remember the kind of effort that was put in. जाते जाते आई वुड ओनली रिक्वेस्ट, आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स ऑन माय माइंड जो मुझे एक शेयर करना था जी. सबसे पहली चीज़ तो मैं सारी जनता को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये यूज़ ऑफ नायलॉन मांझा के पर्सपेक्टिव से. शहर में मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मांझा के वजह से जाते रास्ते में जाते जाते जो टू व्हीलर बाइक वाले हैं उनको इंजरी हुई और बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ग्रीवियस इंजरी हुई. तो मांझा यूज़ करके जो जो लोग पतंग उड़ाना चाहते हैं वो अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप किसी की जान खतरे में डाल रहे हैं और लोगों को इंजरीज हो रही हैं. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से, सारे बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को नायलॉन मांझा यूज़ करने से, जो संक्रांति का पवित्र त्यौहार है और उसमें हमारी संस्कृति है कि हम पतंग उड़ाते हैं, बट देन वो पतंग उड़ाने का जो माहौल है, जश्न है, वो नायलॉन मांझा के यूज़ करने की वजह से किसी के घर में मतलब एक सैड इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, सारे बुजुर्गों से और बड़ों से, कि अपने बच्चों को इस डेंजर से दूर रखें. इसमें ऑलरेडी बहुत सारे नियम बन चुके हैं, जो भी नायलॉन मांझा यूज़ करते हैं उनके खिलाफ़ कायदेशीर कार्रवाई हो सकती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके एंटरटेनमेंट की वजह से किसी के जान की नुकसान हो सकती है. तो और जहाँ पे भी आपको लगता है कि नायलॉन मांझा यूज़ हो रहा है, पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस नागपुर पुलिस ने एक नंबर शेयर किया है, वो नंबर पे डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कीजिएगा और अपनी जो भी कंप्लेंट है वो दीजिएगा. दूसरी चीज़, जैसा कि सवाल आ चुका था कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ कीजिए. और बहुत सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कॉल करके आपको इम्प्रैक्टिकल इंटरेस्ट रेट, इम्प्रैक्टिकल रिटर्न्स दिखाते हैं और ऐसी ऐसी स्कीम्स के नाम दिखाते हैं और आपको ठगने की कोशिश करते हैं. उन लोगों से बचिएगा. थैंक यू सो मच. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट ऑन माय 1200 शो. आई रिमेंबर यू ऑल माय लाइफ. यू मेड दिस वेरी स्पेशल. आई रिक्वेस्ट यू टू अगेन सेंड आउट अ मैसेज ऑन नायलॉन मांझा एंड इट्स वेरी ghastly impact on the Definitely. environment, as well as the lives of the people. Definitely. I would request you to highlight it in your podcast. Definitely. At least in a couple of days, so that people are very aware. Yes. आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. डीसीपी श्रवण दत्त सर से बात हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने आज 1200 एपिसोड पर एक बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करी इस एपिसोड के माध्यम से. एक बात जिसको लेकर वो दो बातें थी जिसको लेकर श्रवण सर ने स्ट्रेस अपना रखा, अपनी बात रखी, और वो है नायलॉन मांझा और सोशल मीडिया. देखिए, होता ये है कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आप पतंग उड़ाते हैं और सबसे ज़्यादा तब आप इन्जॉय करते हैं जब आप किसी की पतंग काटते हैं. और नियम भी वही है कि आप पतंग उड़ाएं, सामने वाले की पतंग काटें और आप हर्षोल्लास से उसका मज़ा लें और सामने वाला ये सोचे कि अब अगली बार और अच्छे से पतंग उड़ा के. पर पतंग काटना का मंजे के साथ कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं है. जो पतंग उड़ाना जानते हैं, जो बड़ी बड़ी पतंगे उड़ाते हैं, उनको भी ये पता है कि ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि अगर आप किसी की पतंग नहीं काटेंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. लेकिन अगर आप नायलॉन मंजे से पतंग उड़ाएंगे तो किसी का गला कट सकता है और किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है. अब ऐसे ही आपका एक मैसेज सोशल मीडिया पे
लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। हम ये चीज़ें कभी सोचते ही नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कितना वक्त लगाता है, कोई माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कुछ सहते हैं। वो बच्चा ट्यूशन क्लास जाता है, वापस घर आता रहता है कि घर आकर अपने माँ बाप के साथ में एक अच्छा वक्त बिताएगा, और उसके माता पिता को पता चलता है कि बच्चा एडमिट हो चुका है, उसका गला चीर चुका है और नायलॉन मंजे की उत्साह को लेकर कोई पतंग उड़ा रहा था और पूरा इन्जॉयमेंट उसने किया, लेकिन आज वो बच्चे की गर्दन कट चुकी है और उसको 18 टाके लग चुके हैं। कैसे माफ करेंगे आप खुद को? ड्रग्स भी तो वही है, बेचने वाले जिम्मेदार हैं, खरीदने वाले उससे बड़े जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारियां जो है ना, ये हमें ले लेनी चाहिए कि हम 100 ये नंबर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। पुलिस जो है वो आपकी रक्षा के, आपकी सुरक्षा के लिए है। आप अगर पुलिस की मदद करेंगे तो पुलिस आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, वो तो आपकी और रक्षा करेगी, क्योंकि आपने उन्हें वो चीज़ बताई जिसके लिए वो है तत्पर। उम्मीद है कि इस 1200वें एपिसोड में आज आप एक नंबर जो है वो आप ध्यान रखें, जितने ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं ये नंबर आप शेयर करें, 112 या 100, 112 एंड 100 आर द नंबर यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं नायलॉन मंजा बिक रहा है, सामने वाले को अंदर करवा दो, ये आपके कर्मा में ऐड होगा। हम मंदिर बचाना चाहते हैं, है ना, हम ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं, है ना, हम ऊपर वाले से फरियाद करते हैं कि हे ईश्वर सद्बुद्धि दे। ईश्वर ने सद्बुद्धि दे दी, आप उसका इस्तेमाल करें, है ना, और अपना ये अधिकार बनाएं कि, और आप ये अपने अधिकार से कहें, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं, कि ये सरकार भी मेरी है, ये रॉब भी मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। अगर आप अधिकार वैसा समझते हैं अपने देश के ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर, तो उनकी जान जरूर बचाइए। कृपया नायलॉन मंजा बेचने वालों को, ड्रग्स बेचने वालों को, गलत चीज़ सोशल मीडिया पे डालने वालों को सजा दें। कैसे? खुद उन पे हाथ में उठाएं, 100 एंड 112 पे डायल करके पुलिस को बताएं, पुलिस अपना काम खुद करेगी। जिंदा रहें, जय हिंद।